हाई ऑल दिस इज आंजली वेलकम टू माई चैनल और अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सी बी एस ई से इशू हुआ है ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और ऐसे हम बहुत सारे उसके बाद करने वाले हैं बट एक वीडियो में हम एक सेक्शन कर रहे हैं सेक्शन ए वी है टू मार्क्स इच लेट्स क्वेश्चन क्या है सो राव है कोर्ट जिसमें कुछ एरर्स है आपको बताना है कि ये एरर्स क्या है तो एरर्स फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन में आपको सिंटेक्स एरर ढूंढने होते हैं ठीक है सिंटेक्स एरर मतलब द वे वी राइट द स्टेटमेंट्स वो सही होना चाहिए लॉजिकल या फिर रन टाइम एरर्स हमें नहीं सर्च करने हैं सो so, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि पहले आप इस कोड को अपनी आंसर शीट में लिखेंगे पेपर में अंडरलाइन करेंगे जहाँ जहाँ पर आपको सिंटेक्स एरर दिखता है और वहीं पेंसिल से मार्क करके बताएंगे कि क्या एरर है वहाँ पर और उसके बाद आप करेक्टेड कोड लिखेंगे एंड देन जो करेक्शन आपने की हैं उसको भी आप अंडरलाइन करेंगे सो so, यहाँ पर हम देखेंगे कि कीवर्ड्स जो है वो सही होने चाहिए ब्रैकेट्स कोट्स सही लगे होने चाहिए ठीक है जो इफ या लूप के पीछे कोलन लगता है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए एंड इंडेंटेशन सही होनी चाहिए सो डेफ कीवर्ड सही है नाम है प्राइम ठीक है कोलन भी लगा हुआ है अब यहाँ पर हम एक इंटेजर इनपुट कर रहे हैं दो ब्रैकेट्स हमने ओपन किया लेकिन यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद नहीं हो रही सो दैट्स योर फर्स्ट एरर ठीक है फॉर आई इन रेंज परफेक्ट फॉर कीवर्ड है सही लिखा हुआ है टू कॉमा एन अपॉन टू भी सही है कोलन भी लगा हुआ है यहाँ पे इंडेंटेशन भी है ठीक है अब ये जो कंडीशन है यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं होना चाहिए था यहाँ पर डबल इक्वल टू होना चाहिए था क्योंकि कंडीशन हमेशा डबल इक्वल टू से चेक होती है ना कि सिंगल इक्वल टू से सो वी हैव टू राइट एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो सो एक कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई प्रिंट है कोच से शुरू हो रहा है कोच बंद हो रहा है ब्रैकेट्स भी ठीक है बीच में जो लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है सो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट के अंदर क्या लिखा है अब ये इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है ब्रेक यहां नहीं होगा ब्रेक यहां से शुरू होना चाहिए सो so ब्रेक इधर आना चाहिए और ये जो एल्स है ये लूप के साथ होगा कि भाई अगर तो पूरा लूप चल गया तो हम कहेंगे नंबर इज प्राइम लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो इट इज नॉट प्राइम सो ये इंडेंटेशन एरर ये दोनों लाइंस को हमें इसको थोड़ा आगे और इसको थोड़ा पीछे करना है दैट्स योर थर्ड एरर एंड फोर्थ एरर इज कि ये जो कोट्स हैं यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, है ऐसा नहीं हो सकता या तो दोनों तरफ सिंगल कोट्स हो या फिर दोनों तरफ डबल कोट्स हो तो हम एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल नहीं लगा सकते ठीक है सो दैट इज वन थिंग सो ये हो गए हमारे पास एक चीज अब हम चलते हैं आगे आगे चलते हैं आगे कहाँ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग राइट टू पॉइंट एक्स एम एल एंड जब भी आप sure प्रॉपर दोनों तरफ हेडिंग लिखो और बीच में लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद डिफरेंसेस लिखो तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है इट इज अडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेज ठीक है वेर एज पैकेट स्विचिंग में डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होता सर्किट स्विचिंग में बिफोर द ट्रांसमिशन स्टार्ट्स कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होता है उसके बाद जितना मर्जी डेटा पास हो डेटा पास होने के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ कनेक्शन इज इस्टैब्लिश एंड द डेटा इज ट्रांसमिटेड वेन द होल डेटा इज ट्रांसमिटेड कनेक्शन इज रिलीज देर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन ट्रांसफर पैकेट स्विचिंग में देर इज़ नो नीड ऑफ प्रायर कनेक्शन द होल मैसेज इज डिडेड इन टू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड पैकेट्स और फिर वो पैकेट्स हम डिलीवर करते हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस वे में हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग इज टेलीफोन्स जो लैंडलाइन केबल्स होती हैं जो लैंडलाइन टेलीफोन्स होते हैं वो एग्जाम्पल है सर्किट स्विचिंग का पैकेट स्विचिंग का एग्जाम्पल है इंटरनेट ठीक है तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो दोनों के बीच में डिफरेंसेस के

माई एग्जाम कोलन कोलन माइनस टू वन मार्क के लिए है स्लाइसिंग कर रहे हैं स्टार्ट नहीं गिवन एंड नहीं गिवन स्टेप गिवन है माइनस टू तो जब आपका स्टेप नेगेटिव होता है आपका आंसर हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा सो राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे पहला कैरेक्टर जो हम फेच करने वाले हैं यहाँ से वो होगा एट द रेट तो सबसे पहले प्रिंट होगा एट द रेट ये वाला फिर माइनस टू करेंगे यहां पहुंच जाएंगे इस जगह पर यहाँ से कैरेक्टर क्या आएगा टू फिर माइनस टू करेंगे पहुंच जाएंगे जीरो पर फिर माइनस टू करेंगे पहुंच जाएंगे स्पेस पर फिर माइनस टू करेंगे पहुंच जाएंगे ओ पर देन, एम देन एक्स फिर स्पेस फिर कैपिटल एस फिर कैपिटल सी और फिर एट द रेट का साइन ठीक है तो आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स उठाने हैं दो के गैप पे लेकिन पीछे से आगे की तरफ क्योंकि जो स्टेप है वो नेगेटिव है सो सिंस द स्टेप इज नेगेटिव दिस विल बी योर आउटपुट ठीक है सो ये हो गया आपका आउटपुट अब अगला क्वेश्चन है राइट दी आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो तो यहां पर हमने एक डिक्शनरी बनाई है नेम और एज है अब माय डिक्शनरी एज को 27 कर दिया तो एज तो पहले से की है तो चेंज होकर 27 हो जाएगा एड्रेस जो है वो पहले से इसमें एज अ की है नहीं है नहीं तो एक न्यू की ऐड हो जाएगी अब जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं क्या प्रिंट करा रहे हैं माय डिक्शनरी डॉट आइटम्स तो आइटम्स कैसे शो होते हैं लिस्ट ऑफ टपल्स तो आपके पास आएगा नेम कॉमा अमन ठीक है एज अ टपल फिर कॉमा एज कॉमा ट्वेंटी सेवन एज अ टपल देन वील हैव Address, फॉर्म में देता है तो ऐसे क्वेश्चन में डेटा टाइप बहुत मैटर करता है तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से अपने फॉर्मेट को लिखेंगे सो इट्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स ठीक है सो लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में आपका इसका आंसर आ जाएगा

जॉब है एंड अलोंग विद डेट वी हैव कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है एंड देर इज अनदर टेबल कॉल्ड और डिपार्टमेंट जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट का नाम है सो so डिपार्टमेंट हमारे पास मान लो दो ही हैं वी हैव अकाउंट्स एंड वी हैव सेल्स ठीक है अब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको हम किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो रखेंगे सो so आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो कॉलम है दिस इज हेल्पिंग अस टू लिंक विद द अदर टेबल सो सिंस इसकी हेल्प से हम दूसरे टेबल के साथ लिंक कर रहे हैं तो ये यहाँ पर बन जाएगा फॉरन की जबकि यहाँ पर ये क्या है प्राइमरी की तो इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए आप फॉरन की कंसेप्ट को बता सकते हो सो एग्जाम्पल जरूर देना है और कुछ इस तरह का जहाँ पर टेबल्स लिंक होते हो तो पता है तो है ही देखो फॉरन की भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अपने दिमाग में पहले से एक एग्जाम्पल सेट करके रखो क्यों पेपर में दिमाग लगाना है कि क्या एग्जाम्पल लिखेंगे वैसे तो सी एस के पेपर में नीचे एस क्यूएल के क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन होगा जिसमें दो टेबल्स दिए होंगे आप चाहो तो उसी को ही ले सकते हो एग्जाम्पल में अगर आपको नहीं याद आ रहा है एग्जाम्पल तो यू कैन पिक इट फ्रॉम द पेपर इट सेल्फ बट अदरवाइज आप एक ये फिक्स एग्जाम्पल याद रख सकते हो कि जब भी आपको फॉरन की एक्सप्लेन करना है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन कर दो ठीक है टू मार्क का क्वेश्चन है मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग तो एक नंबर का क्वेश्चन ये पक्का आता है फुल फॉर्म्स के ऊपर जहां पे आपको सिर्फ एक्सपैंड करना होता है तो एस एम टी पी की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो इट्स यूज टू सेंड ई मेल्स राइट पॉइंट टू पॉइंट या फिर पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएंगे सो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल वॉट इज़ द यूज ऑफ़ टेलनेट अब टेलनेट का मतलब क्या होता है टेलनेट मीन्स रिमोट लॉग इन सो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट प्रोटोकॉल वी कैन लॉग इन टू अ डिस्टेंट कम्प्यूटर सो एक कंप्यूटर जो कि आपसे दूर है वहाँ पर हम लॉग इन कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट एज ए वी आर एक्चुअली सिटिंग दैट और इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कि हम टीम व्यूअर से कर सकते हैं एनी डेस्क से कर सकते हैं अब जूम में भी ऑप्शन है सो दीज आर द दॉफ्टवेयर विच हेल्प यू टू अवेल दिस फैसिलिटी कॉल्ड रिमोट लॉग इन जो कि टेलनेट प्रोटोकॉल से होती है कि हम किसी भी डिस्टेंट कंप्यूटर पर लॉग इन करके उसके अंदर जो भी कंटेंट है वॉट एवर ऑपरेशन आई एम एबल टू डू आई कैन डू इट फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो जब आपको ये आउटपुट वाले क्वेश्चन करने होते हैं मेक श्योर आप वर्किंग अलग से शो करेंगे तो आप पहले लिख सकते हो वर्किंग शो द वर्किंग एंड फाइनली यू राइट द आउटपुट या फिर आप पेज को हाफ में करके हाफ साइड पे वर्किंग दिखा सकते हो और इधर आउटपुट लिख सकते हो अब इसकी वर्किंग हम शुरू करते हैं ठीक है वर्किंग क्या शुरू होगी यहाँ पर हम कहेंगे कि लूप विल वर्क फॉर फोर टाइम्स सो सी एन टी पहले फोर होगा फिर थ्री होगा फिर टू होगा और फिर वन होगा तो जब आपका सी एन टी फोर है तो ए में क्या आएगा नम सी एन टी हमेशा जब भी लिस्ट दी हो तो उसकी पोजिशन लिख लो पहले ही सो पोजिशन हमने लिख ली जीरो पास थर्टी टू सो थर्टी टू है यहाँ पर बी में क्या आ जाएगा सी एन टी माइनस वन तो सी एन टी इज फोर फोर माइनस वन इज थ्री नम थ्री पे कितना है so, कॉल करा रहे हैं प्रिंट डिफ ए कॉमा बी तो ए जाएगा आपका एन वन में बी जाएगा आपका एन टू में और उसके बाद हमें hash प्रिंट करना है जो भी रिटर्न हो रहा है अब फंक्शन देखो क्या कर रहा है वो देख रहा है कि भाई अगर एन वन एन टू से बड़ा है तो एन वन माइनस एन टू रिटर्न कर दो अदरवाइज एन टू माइनस एन वन कर दो थर्टी टू फिफ्टी फोर से बड़ा नहीं है तो फिफ्टी फोर माइनस थर्टी टू होगा जो कि आएगा ट्वेंटी टू सो फोर माइनस टू इज टू फाइव माइनस थ्री इज टू ट्वेंटी टू रिटर्न हो जाएगा तो आपके आउटपुट में वो प्रिंट करेगा अभी ट्वेंटी टू हैश ठीक है फिर आपका सी एन टी थ्री हो जाएगा इस बार ए में आएगा फिफ्टी फोर और बी में आएगा फोर्टीन क्योंकि आप सी एन टी थ्री है तो नम सी एन टी इज वॉट फिफ्टी फोर और वो अगला वाला जो है वो क्या है फोर्टीन सो फिफ्टी फोर माइनस फोर्टीन यहाँ पर होगा दैट विल बी फोर्टी वो रिटर्न होगा एंड इट विल प्रिंट फोर्टी हैश जब टू हो जाएगा तो आपके पास ए में आएगा फोर्टीन और बी में आएगा ट्वेंटी थ्री

सो दिस इज योर आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो आउटपुट क्वेश्चन में गलती ना हो इसलिए हमेशा गो स्लो एक, एक स्टेप को करो देखो किस स्टेप से क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड देन कम टू रिजल्ट ठीक है सो so, हमेशा इसमें टाइम लगाओ जितना लगना चाहिए मतलब ये नहीं कि इसको लेके बैठे रहो बट येस गिव प्रॉपर टाइम टू दिस ताकि आप इसका सही आंसर निकाल सको चॉइस है ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले से काफी ज्यादा ईजी है इसमें हमारे पास टपल है इस लाइन से आपकी जो टपल है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद एक हमने ब्लैंक लिस्ट ले ली फिर हमने लूप चलाया फॉर आई इन लिस्ट वन तो ये ट्रिवर्सल कर रहा है इसमें से पहले लिस्ट में से इलेवन आ जाएगा चेक करेगा कि क्या इलेवन टू से डिवाइड होता है नहीं होता तो ये लाइन नहीं होगी फिर ट्वेंटी टू पर आएगा क्या ट्वेंटी टू टू से डिवाइड होता है हाँ जी होता है तो न्यू लिस्ट में ट्वेंटी टू अपेंड हो जाएगा थर्टी थ्री नहीं होगा फोर्टी फोर हो जाएगा फिफ्टी फाइव नहीं होगा सिक्सटी सिक्स हो जाएगा तो आपकी जो न्यू लिस्ट है उसमें आएगा ट्वेंटी टू फोर्टी फोर सिक्सटी सिक्स सिंपल है कि जो टू से डिवाइड हो रहे हैं उसको हम अगली लिस्ट में अपेंड कर रहे थे और जो नहीं हो रहे उनको नहीं कर रहे थे सो so, ये हमारे पास लिस्ट आ गई अब इसको फिर से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया टपल में so, तो सिर्फ फर्क क्या हो रहा है टपल में कन्वर्ट करने से राउंड ब्रैकेट्स आ रही है तो so, आपका जो आउटपुट है उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप राउंड ब्रैकेट्स दे के लिखो बिकॉज दैट इज वॉट वी आर प्रिंटिंग सो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा सो ट्वेंटी टू फोर्टी फोर सिक्स इन राउंड ब्राकेट सो दिस वन इज मच दिसर देन दी वन बाकी आने तो आपको दो नहीं चाहिए है ना ए एल कोर्डर्स हो फाइनली आप अंजलि मैम से पढ़ रहे हो तो भाई आउटपुट क्वेश्चन ना है ऐसा कैसे हो सकता है सो so प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस मेक्स एवरी वन परफेक्ट है ना सो so कोशिश किए बिना तो कुछ नहीं होता डिफ्रशियट बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार इतना रिपीटेड क्वेश्चन हैल्टरनेट ईयर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि आपको काउंट और काउंट स्टार के बीच में डिफरेंस बताना है या तो सीधा सीधे पूछ लिया है बट अदरवाइज आपको ऐसे भी एक टेबल है उसके ऊपर हमने सेलेक्ट काउंट स्टार चलाया तो हमारा आंसर आ रहा है फिफ्टीन लेकिन अगर मैं सिलेक्ट काउंट और फिर कॉलम का नाम चलाती हूँ तो आता है ट्वेल्व क्यू सो ऑब्वियसली बात है कि काउंट स्टार देता है आपको टोटल नंबर ऑफ रोज कार्डनालिटी ऑफ द टेबल काउंट के ब्रैकेट में आपको किसी कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा अब जिस कॉलम का नाम अगर आप लिख रहे हो उसमें कहीं नल नल वैल्यू वैल्यू है है तो वो काउंट काउंट नहीं होती सो स्टार गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ रोज वेयर एज काउंट फील्ड नेम गिव्स यू द नॉट नल वैल्यूज सो अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि काउंट फील्ड नेम में कहीं पर नल है अगर सेम आते हैं मतलब वहां कहीं पे भी नल नहीं है तो ऐसे एग्जाम्पल में आप कुछ भी छोटा सा टेबल बना सकते हो ए कॉलम बी कॉलम एंड देन गिव सम वैल्यूज ओवर है खाली छोड़ दो ठीक है अब दिखा दो कि इसमें अगर मैं सिलेक्ट काउंट स्टार करूंगी तो थ्री आएगा काउंट ए करूँगी तो भी थ्री आएगा लेकिन अगर मैं काउंट बी करूँगी तो टू आएगा क्योंकि उसमें एक नल है एंड नल काउंट में नहीं गिना जाता सो so इट ड नॉट काउंट नॉल तो ये आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ इससे कहीं ज्यादा इसी क्वेश्चन वाला है कैटेगराइज दमांड डी डी एल और डी एम एल तो बहुत ही सिंपल सी चीज है आपको याद रखना है ये एस आई डी यू सिज सिलेक्ट आई इज इनसर्ट डी इज डिलीट यू इज अपडेट दिस इज सि आपकी इन सर्ट और अपडेट ये दोनों कमांड्स हमारी डी एम एल हैं और ये दोनों कमांड्स हमारी डी डी एल हैं सो दैट्स इट सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन सो ये हो गया हमारा सेक्शन बी अगली वीडियो में मिलेंगे सेक्शन सी के साथ तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन इफ आई एम पुटिंग ऑल द एफर्ट्स टू प्रोवाइड यू एज मच कंटेंट पॉसिबल तो आप शेयर तो कर ही सकते हो बाय फॉर नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू